हर बार क्या करते हैं, चार क्वार्टर में डिवाइड कर लेते हैं, सही ना? और चार क्वार्टर को हम लोग हिसाब कर रहे हैं कि चार क्वार्टर में हम कौन क्वार्टर में कितना बिजनेस करेंगे। अगर यहां पर जितने भी लोग हैं, जो लोग सुपर स्मार्ट का नीचे है, ऐसा कितना लोग है यहां पर सुपर स्मार्ट के नीचे, आप लोग का इस साल का मिनिमम टारगेट क्या होना चाहिए? गोल्ड। क्या होना चाहिए? उसका ऊपर हो सकता है नीचे, मिनिमम जो भी अभी अगर 2-3-5-10 का टीम बना के यहां पर आए, वो भी अगर आज यहां से फोकस करके जाएगा तो कम से कम गोल्ड बन सकता है। क्या बन सकता है? गोल्ड बनने के लिए जो टारगेट है, मैं सिंपल समझा देता हूं आपको। सबसे पहला और कोई भी साल का सबसे इंपॉर्टेंट होता है शुरुआत का 3 महीना, और ये स्टार्टिंग का 3 महीना अगर आप नहीं दौड़ोगे ना तो आप पीछे रह जाओ। ये स्टार्टिंग का 3 महीना सब लोग टारगेट कर लो, जो भी अभी सुपर स्मार्ट के नीचे है कि वो लोग टारगेट बना लो कम से कम 4 स्टेप कंप्लीट करने। कितना स्टेप? यहां पर 4 स्टेप के नीचे कितना लोग है आप बता दीजिएगा? जो लोग अभी 4 स्टेप के नीचे है, 4 स्टेप अगर आप लोग 3 महीने में कर लेते हैं तो 4 स्टेप का जवाब से आपका गोल्ड के लिए जो प्लानिंग बन रहा है वो तो हो ही जाएगा। उसका साथ साथ ठीक 3 महीना का बाद, अप्रैल मई जून का बाद, जुलाई महीना में हम लोग का एफएनडीसी प्रोग्राम होगा। जो भी मतलब 4 स्टेप कर लेगा वो एफएनडीसी में भी जाने का मौका मिल जाएगा उसको। समझ में आ रहा है? कितना लोग लास्ट एफएनडीसी में गए थे? कैसा था? एक तो मैं रियलिटी बता रहा हूं, बहुत सारे लोग मेरे को बोला दादा उस एफएनडीसी से आने के बाद हमने डबल 3 गुना बिजनेस कर दिए, और कुछ कुछ बंदा कुछ भी नहीं किया, ऐसा भी बनता है क्योंकि वो सोचा कि एफएनडीसी में आ गया हो गया मेरा काम। मगर मैं सही बता रहा हूं, ये एक ऐसा प्रोग्राम जहां से एक बंदा एक स्मार्ट विंडो का कहां जा सकते हो विजन देखता है, सही ना? नया लीडरशिप उभर के आता है। इस बार भी हम लोग बहुत सारे नए लीडर देखे। तो मेरा टारगेट सबसे पहला है, जितना लोग यहां पर है सारे लोग पहला टारगेट बना लो कि जुलाई महीना का एफएनडीसी में जाना है तो 3 महीना के अंदर क्या बनना होगा? चल में आ रहा? अब जो लोग वो सोच सकते हैं पिछले साल 5 स्टेप में भी थे, हाँ वो भी अगर टारगेट करेंगे मिनिमम 4 स्टेप कर लेंगे तो आपका गोल्ड के लिए जो जगह तैयार है वो रनिंग चालू हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो पहला 3 महीना का 4 स्टेप का टारगेट ले लीजिए। नेक्स्ट 3 महीना, ये 3 महीना इस बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट 3 महीना है, क्योंकि इस टाइम पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहता, कोई एग्जाम नहीं रहता, सही ना? कोई ऐसा नहीं है कि बहुत गर्मी है कि घर से नहीं कर निकल पा रहे, वो भी नहीं रहता। और उस टाइम पे ऑफर भी चलता है, ये समझो? उसी टाइम पे स्पेशल चलता है। और उस टाइम पे जो बिजनेस को पिकअप उठा लेता है ना, वो साल में अच्छा लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो जून तक पहले बेस तैयार कर लो, कम से कम 4 स्टेप बना लो, और जुलाई अगस्त सितंबर में 3 महीना में कम से कम 8 स्टेप का टारगेट करो। कितना स्टेप? 8 स्टेप। जितना बनाया उसका डबल है, क्योंकि आपका बस मैन पावर भी तो आ गया। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सितंबर तक आप जहां पहुंच जाओगे, सितंबर तक आप जहां पे पहुंच जाओगे उसका ऊपर बेस करके आपका अगला 3 महीना चलेगा। अगला 3 महीना अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये 3 महीना को हम लोग बोलते हैं फेस्टिवल मंथ। दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, क्रिसमस, सारा इसी में आता है, सही ना? और इस टाइम पे बिजनेस को बहुत ज्यादा पिकअप उठाना बहुत मुश्किल होता है। मगर इस टाइम पे हम चाहे तो कम से कम अपना वो पोजिशन को मेंटेन कर सकते, जितना बिजनेस है उसको पकड़ के रख सकते, ये समझो? तो अगला 3 महीना हमारा टारगेट रहेगा कि हमारा जुलाई अगस्त सितंबर में जितना बिजनेस हुआ कम से कम उतना बिजनेस करें। इस बार बहुत सारे लोगों का लेवल ठीक और ज्यादा कर लेता अगर नवंबर दिसंबर में सही बिजनेस हो जाता, उस टाइम पे बहुत लोगों का ड्रॉप हो गया था। तो ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, उस टाइम पे ड्रॉप नहीं होने देना, कम से कम मेंटेन करके रखना है। तो अगर हम
पिछले तीन महीना में 8 स्टेप का बिजनेस किए तो अगला 3 महीना में कम से कम कितना बिजनेस होना चाहिए? 8 स्टेप का, सही ना? तो आप सुपर स्मार्ट से बन गए क्या? सिल्वर बन जाओगे। आपका स्टेप हो जाएगा 20। दिसंबर एंड में आपका कितना स्टेप हो जाएगा? 20 स्टेप। और आप सिल्वर को बन गए, मगर 16 स्टेप में सिल्वर नहीं, 20 स्टेप का सिल्वर। तो आसानी से अगला 3 महीना में 12 स्टेप निकलेगा कि नहीं? तो क्लोजिंग का टाइम है ना, धूमधाम का, जब तक छक्का लगेगा ऑफर भी चलेगा, सही ना? हाँ, क्लोजिंग में सबसे ज्यादा ऑफर चलता है और बिजनेस अलग डायमेंशन पे होता है। तो ये टारगेट लेके चलेंगे, आराम से आप जो है जगह बना सकते हैं, आप जो है आराम से जो टारगेट है उसको पूरा कर सकते हैं, है कि नहीं है? अब आते हैं थोड़ा सा इसका और अंदर जाते हैं, सोच लेते हैं कि 3 महीना में 36 का टीम बनाना है, सही ना? इसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं? बहुत सिंपली आप डिवाइड कर दो ना। देखिए, अप्रैल महीना में हमको आधा मिला है, सही ना? हम सोच रहे थे अप्रैल महीना में 600 माइल्स, मई महीना में 1200 माइल्स, जून महीना में 1800 माइल्स, कितना हो गया? 3600 माइल्स हो गया। ये मैं बोल रहा हूं, आप अपने हिसाब से उसको टारगेट ले सकते हो कि मेरा 3 महीना का टारगेट कितना है, इतना डिग्री, इतना स्टेप, इसको मुझे महीना में डिवाइड कर देना है। क्लियर हो रहा है मेरा बात? अब महीना में डिवाइड कर दिया, सोचिए कि आपका मई महीना का टारगेट बन गया 12 डिग्री का, कितना डिग्री का? 12 डिग्री। मैं सुपर स्मार्ट सिंपल के लिए नहीं बोल रहा हूं, अभी नए लोग जो एक स्टेप दो स्टेप उन लोग का टारगेट बोल रहा है, कोई सुपर स्मार्ट मत सोचो मेरा 12 डिग्री का टारगेट है, आपका टारगेट उससे ज्यादा होना चाहिए, समझ में आ रहा? अब 12 डिग्री का टारगेट है महीना में, महीना में आप टारगेट करोगे, महीना मतलब आप हमेशा समझ के चलोगे 4 हफ्ता, कितना हफ्ता? 4 हफ्ता सोच के चलोगे और प्लानिंग जो बनाओगे 4 हफ्ता का ही बनाओगे। उस 4 हफ्ता को कैसे डिवाइड करना है सोचिए, 12 डिग्री चाहिए आपको, हाँ? अब ऐसा सोच लो ना, पहला हफ्ता में 200 माइल्स, पहला हफ्ता में अगला हफ्ता में 300 माइल्स, उसका बाद वाला हफ्ते में और 300 माइल्स, चौथा हफ्ता में 400 माइल्स, हो सकता है? तो 4 महीने में टोटल कितना हो गया? 1200 माइल्स। अब ये टारगेट लेके आप उस महीना का काम शुरू कर दिया, सही ना? पहला हफ्ता में हो सकता है आपका 200 की जगह 100 माइल्स हुआ, कितना हुआ? दूसरा हफ्ता में आपका 300 का जगह 200 माइल्स हुआ, तीसरा हफ्ता में आपका 300 में 300 माइल हो गया, तो आपको 1200 में कितना हो चुका है? 600। कितना बचा हुआ है? 600। तो जितना भी बचा रहेगा ना, महीना को चौथा हफ्ता को टारगेट को रिवाइज करके वो टारगेट बना लो। अब क्लोजिंग हुआ ना, क्लोजिंग में एक एक बंदा जो 10 डिग्री मारने वाला 50 मार चुका है, अभी ऐसे ही क्लोजिंग हुआ, क्लोजिंग में एक लड़का जो साल भर में 19 स्टेप किया था, साल भर में 19 स्टेप किया था और आखिरी 2 हफ्ता में बाकी 13 स्टेप करके गोल्ड निकल गया। 2 हफ्ता में कितना स्टेप निकाला? 13, क्योंकि क्लोजिंग था, समझ में आ रहा? तो अगर आप लोग साल का क्लोजिंग में इतना वॉल्यूम दे सकते हैं, अगर हम लोग महीना का क्लोजिंग पकड़ के चले तो इतना ज्यादा पेशा देना नहीं पड़ेगा, हर महीना थोड़ा थोड़ा पेशा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, समझ रहे हो? तो ये महीना का क्लोजिंग का हिसाब से हर चौथा हफ्ता जो महीना का रहेगा वो हमारा महीना का क्लोजिंग। अब उसमें पूरा टारगेट लगाएंगे, अभी आज मैंने तो 400 ही, मेरे को कितना टारगेट है? 600 का। तो पहला टारगेट रहेगा महीना का, बिल्कुल महीना में खत्म कर देंगे, ये समझ लो। इसका बाद में मिस हो जाता है, इसका बाद में हो ही सकता है कि आप 6 का जगह 4 ही कर पाए, तो भी आपका कितना माइनस हो गया? 200 कम हो गया ना, 2 डिग्री कम हो गया ना। वैसे और एक महीना का भी हो सकता है 1 डिग्री कम हो गया, और पिछला थर्ड महीना का भी हो सकता है 4 हफ्ता में 4 डिग्री कम हो गया, हो सकता है ना? तो 3 महीना मतलब 12 हफ्ता हम समझे, मगर एक क्वार्टर में 13 हफ्ता होता है, एक क्वार्टर में कितना हफ्ता होता है? 13। अब 12 हफ्ता का प्लानिंग करके चलेंगे और 12 हफ्ता का बाद वो एक्स्ट्रा हफ्ता बचा रहेगा, क्योंकि मेरा
जितना शॉर्टेज है, जितना शॉर्टेज है उसको कवर किसमें करना है? 13 हफ्ता में, जो हमारा क्वार्टरली क्लोजिंग रहेगा। क्या क्लोजिंग? क्वार्टरली क्लोजिंग। क्योंकि क्वार्टरली क्लोजिंग के ऊपर पूरा बोनस डिपेंड करता है, करता है ना। अगर इस हिसाब से आप हर क्वार्टर में पूरा जिद पकड़ के आपका जितना टारगेट लिए कंप्लीट कर लिए तो 100% आपका लेवल आ जाएगा। ये भी हो सकता है कि आप 2 क्वार्टर पूरा कर लेंगे ना, थर्ड क्वार्टर में देखोगे जितना टारगेट लिए उससे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि आपका पिकअप आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इस हिसाब से पूरा साल को टारगेट बनाओ, साल को महीना में डिवाइड करो, महीना को हफ्ता में डिवाइड करो, क्लोजिंग हफ्ता का मार्क करके रखो, ये मेरा मंथली क्लोजिंग हफ्ता होगा, ये मेरा क्वार्टरली क्लोजिंग हफ्ता होगा, और मेरे को इसमें इतना करना ही है। और इसके लिए डेली माइल्स का टारगेट करो, डेली डीडी का टारगेट करो, क्योंकि अभी बिजनेस से अपना संडे पे डिपेंड नहीं है, बिजनेस जो है डेली बिजनेस हो रहा है। और इसी को सपोर्टिंग देने के लिए एक नया